In today's class, I'll teach you something which is called closer. What is the meaning of closer? Why do we use closer as a concept for interior and architecture? So let's understand its definition first, and then we'll move to explaining each and every photo related to the closer. So closer is nothing but it is all about seeing an incomplete stimulus as though it were whole. ऐसे कह सकते हैं हम हिंदी में इसको कि कंप्लीट किसी चीज को देखना हालांकि वो ब्रोकन है, टूटा हुआ हो, कहीं से कुछ पोर्शन निकला हुआ हो, फिर भी एज अ होल देखने को हम कहते हैं क्लोजर कॉन्सेप्ट. सो दिस कॉन्सेप्ट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज सच कॉन्सेप्ट हेल्प्स यू इन डिजाइनिंग इंटीरियर एंड आर्किटेक्चर इन सच अ वे दैट इट बिकम्स यूनिक, दैट बिकम्स द टॉक ऑफ द टाउन. लोग उसके बारे में बात करते हैं. लेट्स मूव अहेड. सो सबसे पहले मैं बहुत ही बेसिक आपको ज्योमेट्री 2D और मे बी 3D के थ्रू समझाने की कोशिश करूंगा. लेफ्ट साइड में यहां देखिए तो ये क्या है, ये 3D ज्योमेट्रीज हैं, कोन. यस सर. छोटे बड़े आपको दिख रहे हैं. इसके अरेंजमेंट ऐसी है, इस अरेंजमेंट की वजह से आपको इसके अंदर में कुछ दिख रहा है. योर माइंड इज ड्रॉइंग समथिंग. वो क्या ड्रॉ कर रहा है, एक स्फीयर ड्रॉ कर रहा है. yes, हालांकि स्फीयर यहां बनाया नहीं गया है, यहां पे क्या बना हुआ है, कोन्स अरेंज किए हुए हैं सर्टेन वे में. सो अरेंजमेंट ऐसे करो कि जिससे जो चीज ना हो वो पता लगे, हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कोई फिगर ड्रॉ करे मतलब उसको एक क्लोजर बनाए. इसी कॉन्सेप्ट को कहा जाता है द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर. क्लियर? यस सर. हमारा ब्रेन एनसर्कल कर रहा है यहां पे देखिए, सिर्फ अरेंजमेंट की वजह से. सो सच अरेंजमेंट कैन बी यूज्ड फॉर इंटीरियर, लैंडस्केप, आर्किटेक्चर एटसेट्रा. राइट साइड में देखिए, ये बहुत ही फेमस ज्योमेट्री है. अगर इसको अरेंज कर दिया जाए तो सबको पता होता है कि इस तरह की चीजें फुटबॉल में यूज करी जाती हैं. सो देखिए यहां पे अरेंजमेंट ऐसे करी गई है कि हमारा माइंड एक जो चीज नहीं है वो ड्रॉ कर रहा है. क्या ड्रॉ कर रहा है इसमें, एक राउंड फुटबॉल को ड्रॉ कर रहा है ब्रेन में, स्टिम्युलस कुछ ऐसा जा रहा है. इस HP विच इज अ ब्रांड, बहुत ही फेमस ब्रांड है. अगर हम यहां देखते हैं एच साइड में देखिए तो ये सर्कल ओपन है, टी के बॉटम में ओपन है, जो कि बैकग्राउंड के कलर को फिल करता है इस स्पेस में, राइट? लेकिन हमारा ब्रेन इसको एज अ क्लोजर मानता है. हम इसको कंप्लीट सर्कल लेते हैं, मतलब मैं कोई इंटेंशनली नहीं ले रहा, माई ब्रेन इज टेलिंग मी दैट दिस इज अ कंप्लीट सर्कल इन विच HP इज रिटन. अब इस वाले में देखेंगे एक रेटिकुलेटेड स्ट्रक्चर है बैकग्राउंड में, व्हाइट कलर में आप देख सकते हैं, ये आर्म्स है उसके, और बीच में इसमें इरेज कर दिया गया है. इंटेंशनली इसको ऐसे इरेज किया गया है कि हमें क्या महसूस हो रहा है यहां पे, क्या है, एक रिंग महसूस हो रहा है. यस सर. एक रिंग जैसा हमें महसूस हो रहा है. एक्चुअली यहां ये वाले पोर्शन में जो रिंग महसूस हो रहा है वही कलर बैकग्राउंड का है. यस सर. जैसे यहां पे व्हाइट था, इसकी जो डिलीशन है यहां पे या जो डिलीट की गई है पोर्शन, वो डिलीटेड पोर्शन इंटेंशनली कुछ ऐसा किया गया कि हमारा ब्रेन स्टिमुलेट हो और कुछ फिगर को अपने आप ही बना ले. यहां पे कोई सर्कल नहीं बना हुआ है, देखा जाए तो दो सर्कल, एक अंदर के एक बाहर के, जिसको हम रिंग कह सकते हैं. yes, एक थिकनेस है. सो हमारा ब्रेन ड्रॉ कर रहा है हर जगह पे, इसमें भी देखा ड्रॉ किया. yes, इसमें भी खुद ही ड्रॉ कर रहा है. yes, तो क्या इस तरह के टेक्निक
कैन वी यूज इन इंटीरियर आर्किटेक्चर? यस वी कैन यूज इट. आप कहोगे सर इट्स वेरी डिफिकल्ट. यस इट इज वेरी डिफिकल्ट. इसको करना इतना आसान नहीं है. बट येट सम पीपल हैव ट्राइड. आई शो यू वन बाय वन. हर एक एग्जाम्पल में आपको एक नई चीज देखने को मिलेगी. तो आप वीडियो को एंड तक देखिए. लेट्स मूव अहेड. ये देखिए, दिस इज वेरी फेमस टावर इन दुबई ऑन सैक्स जायद रोड. यहां पे ये दोनों के कॉम्पोजिशन को अगर आप देखेंगे, जो कंप्लीट इसकी ओरिएंटेशन है और इसका जो ढांचा है, आपको ये एनक्लोज स्पेस देता है. यहां से क्लोजर का अंदाजा होता है. हमारे ब्रेन में एक स्टिमुलस हो रहा है कि ये स्पेस इस स्ट्रक्चर की वजह से, एक की हाइट ज्यादा है एक की कम है, तो यहां पे एक ऑब्लिक रेक्टेंगल जैसा शेप तैयार होता है. Yes, sir. इस बिल्डिंग को इंटेंशनली क्लोजर कॉन्सेप्ट पे बनाया गया है. सो फ्रॉम एनी एंगल व्हेन यू सी दीज बोथ द बिल्डिंग्स ओनली देन यू ड्रॉ क्लोजर. अब मान लो कि इसके बैक साइड से आप इस बिल्डिंग को देखोगे तो ये नहीं दिखेगा. सो दोनों को एक कंपोजिशन में देखोगे देन बीच का पोर्शन मिलेगा आपको, जो कि यहां पे ऑटो क्लोजर, मतलब आपका ब्रेन क्लोज कर रहा होता है. मतलब ऐसी चीज, ऐसा इनक्लोजर, ऐसा स्पेस जहां हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली कोई चीज डिटेक्ट कर रहा है, कोई ज्योमेट्री डिटेक्ट कर रहा है. अगर आपने अचीव कर लिया मींस आपने कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर को समझ लिया है. क्लियर है? यस सर. राइट साइड वाले में देखिए, ये एक लाइब्रेरी का, इसके बारे में मैंने एक पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था. एक लाइब्रेरी है. सो इसके स्ट्रक्चर पे अभी मैं कमेंट नहीं कर रहा. मेनली आप देखिए, ये कटआउट, मेजर कटआउट है. यहां कटआउट है, एक इस साइड को कटआउट है. जैसे स्लाइस हम निकालते हैं ना किसी फ्रूट से, वैसे यहां पे इसको स्लाइस आउट किया गया. लेकिन हमारा ब्रेन क्या ड्रॉ कर रहा है? स्टिमुलेटेड किस चीज से है? कौन सी ज्योमेट्री इसको मान रहा है? एक स्फीयर की तरह इसको ले रहा है. यस सर. देखा जाए तो ये स्फीयर नहीं है. यस सर. ये एक स्फीयर नहीं है, क्योंकि स्फीयर में इतने कटआउट्स नहीं हो सकते. ऊपर से ओपन नहीं हो सकता. ओपन होते हुए भी हमारा माइंड इसको क्लोज कर रहा है. यस सर. इसीलिए इसका नाम क्लोजर है. एंड इट इज टेकिंग इट एज द स्फीयर. यस सर. इसमें ये देखिए, ये बोट, बोट का शेप है, राइट? यस सर. सो इसमें एंट्रेंसेस भी हैं, यहाँ स्पेसेस भी हैं, सिटिंग स्पेसेस हैं. उस साइड का हमें पता नहीं, लेकिन जब इस स्ट्रक्चर को देखेंगे सो ओवरऑल कॉम्पोजिशन में, बॉटम साइड में हमारा ब्रेन इसको ऑटो क्लोज करके बोट ही मान रहा है, या बोट ही मानेगा. Yes, sir. उसको ये जो पोर्शन है इसको एज अ सिंकिंग मान रहा है, कि जैसे ये पानी के अंदर में ये पोर्शन सिंक हो गया. Yes, sir. So, मान लो आप बोट को देख रहे हो सी शोर पे, मतलब समंदर के किनारे खड़े होकर के, और तो जाहिर सी बात है पूरा बोट तो दिखता नहीं है, कुछ पोर्शन पानी के अंदर होता है, इट फ्लोट्स आउट. तो हमें पता होता है कि इसका नीचे का पोर्शन कर्वेचर में है. स्ट्रेट लाइन में तो होता नहीं है जनरली. सो कर्वेचर हमारा माइंड ऑटोमेटिकली बनाता है. Yes, sir. क्योंकि हमें विजिबल नहीं है वो पोर्शन, पानी के अंदर है. सो हमारा ब्रेन ऐसी कोई ज्योमेट्री जब यूज करते हो जहां पे वो ऑटो क्लोजर कर रहा है, या यू कहें कि हिडन पार्ट को ड्रॉ कर रहा है, मींस आपने कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर को अचीव कर लिया है, जो कि इस वाले में भी ऐसा दिख रहा है. Yes, अब यहां आते हैं, ये मून शेप को प्रिडिक्ट किया गया है, या यूं कहें कि एक मैसेज क्या है इस बिल्डिंग के थ्रू, कि हमने यहाँ पे, जैसे ये आपका बालकनी है, सो एनीबडी हु कम्स टू सी दिस बिल्डिंग, दिस इज अ ब्लैंड फसाड, जिसमें कोई कटआउट्स नहीं है इन अ सेंस, न डोर्स न विंडोज, कुछ भी नहीं. कुछ लाइटिंग करी गई है और यहाँ पे एक मेजर कटआउट दिया गया है, जो कि नीचे के फ्लोर से लेकर के ऊपर के टॉप मोस्ट फ्लोर तक जा रहा है. सो ये कटआउट आपको एक क्या सेंस दे रहा है, कि किसी स्फीयर के अंदर का जो सीन होता है, जैसा लुक होता है, वो दिख रहा है. Yes, sir. So, हमारा ब्रेन हेमी स्फेरिकल ज्योमेट्री को ड्रॉ कर रहा है इन दोनों को मिक्स करके. Yes, sir. और
नेक्स्ट लेवल पे हमारा ब्रेन इसको एज अ कंप्लीट स्फीयर के फॉर्म में भी ले रहा है. ऐसा लग रहा है जैसे कि वन ह्यूज स्फीयर हैज बीन फिट इनटू दिस बिल्डिंग एंड सब्ट्रैक्शन इज डन. यस सर. सो सब्ट्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है जो हम ऐसे ऑटोकैड में जनरली करते हैं, उसमें भी एक जब आप सब्ट्रैक्शन करते हो टिपिकल ज्योमेट्री के साथ, तो हमारा ब्रेन समझ जाता है कि ये जो कटआउट या यूं कहें कि सब्ट्रैक्टेड ज्योमेट्री हमें जो मिल रही है दैट इज कमिंग आउट फ्रॉम सम ज्योमेट्री लाइक स्फीयर. सो व्हेन आवर ब्रेन इंस्टेंटली डिटेक्ट समथिंग एंड ड्रॉज मिसिंग पार्ट, जो मिसिंग पार्ट है उसको अगर ड्रॉ कर ले तो समझो कि आपने सक्सेसफुली कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर अचीव कर लिया है. सो इसको अगर मैं डिफाइन करूं, सो इट्स द टेंडेंसी टू कंप्लीट द इनकम्प्लीट ज्योमेट्री. जब आपका ब्रेन ऐसा हो कि किसी चीज को कंप्लीशन में देखता है हालांकि वो चीज इनकम्प्लीट है. सो किसी भी इनकम्प्लीट चीज को कंप्लीट सेंस कर ले, इसी का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर. चलिए नेक्स्ट में देखते हैं ये क्या शेप है. मून शेप है. सो आपको यहां पे आपका ब्रेन क्या कर रहा है, ऑटोमेटिकली क्लोज कर रहा है, एनसर्कल कर रहा है. सो दिस एनसर्कलिंग ज्योमेट्री विच वी कैन सी हियर, इफ इट इज हैपनिंग मींस आप क्लोजर कॉन्सेप्ट को, जो कॉन्सेप्ट है उसको आपने रियलाइज कर दिया. आपने ऐसा कोई ज्योमेट्री बनाया है जिससे हमें ये लग रहा है कि दोनों बिंदु दोनों पॉइंट जा करके मीट करेंगे और एक सर्कल तैयार हो जाएगा. अगर आपका ब्रेन इस तरीके से ड्रॉ कर रहा है मींस दिस इज आल्सो कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर. यहां ये इस स्फीयर का आई थिंक ये टाइपेई वगैरह में है, ये पहले भी हमने डिस्कस करा है किसी वीडियो में. कुछ पोर्शन बिल्डिंग के अंदर है और ज्यादातर पार्ट हमारा बिल्डिंग के बाहर है. हमारा ब्रेन क्या सजेस्ट कर रहा है कि कहीं ना कहीं ये स्फीयर कंप्लीट हो रही है, जो बिल्डिंग में पोर्शन है वहां जाके ये कंप्लीट कर रहा है. कोई किसी तरह का इसमें सब्ट्रैक्शन या डिडक्शन नहीं है, ये हमारा ब्रेन हमें स्टिम्युलेट करके कह रहा है. बट द रियालिटी वुड बी दिस दैट सम ऑफ द पोर्शन विच इज लाइंग टूवर्ड्स द बिल्डिंग इज नॉट देयर. यस सर. बट आवर ब्रेन सेज व्हाट, दिस इज अ कंप्लीट स्फीयर. यस. Out of which maybe 85% is outside, 15% is inside. Inside. इसमें देखिए किस ज्योमेट्री को रिजेंबल कर रहा है ऊपर का पोर्शन. कौन? सो नेक्स्ट डेफिनेशन मैं कुछ ऐसा बोल सकता हूं कि सीइंग एन इनकम्प्लीट स्टिमुलस एज दो इट वर द होल. सो इनकम्प्लीट स्टिम्यूलस है ये वाला पार्ट अगर एक्सटेंड कर दिया जाए, हमारा ब्रेन खुद ही एक्सटेंड कर रहा है कि ये अगर ये मीट हो गया नीचे जाके तो ये बनाएगा एक कोन. सो दिस हैज बीन स्लाइस्ड लाइक दिस फ्रॉम ऑल फोर साइड्स. बट आवर ब्रेन इज सेइंग दिस इज अ कोन, दिस हैज बीन कोन बट इट इज कट आउट टू मेक सच स्ट्रक्चर. इस वाले में देखिए ये हेमिस्फेरिकल था, इसमें कटआउट हुआ है, तो हमारा ब्रेन कह रहा है नहीं ये हेमिस्फेरिकल ही है. यस सर. अपने आप वो ड्रॉ कर ले रहा है ब्रेन में. इसमें देखिए ये एक एलिप्टिकल शेप का हाफ पोर्शन ऊपर में है, तो हमारा ब्रेन कह रहा है कि कहीं ना कहीं नीचे में भी है, वो कंप्लीट हो जाएगा. सो इफ सच थिंग कम्स टू यू एंड इफ योर ब्रेन सजेस्ट समथिंग जो पार्ट इनकम्प्लीट है, मतलब कि नीचे की तरफ है, फिर भी आपका ब्रेन कंप्लीट कर ले रहा है, मींस दिस इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर. सो इसको मैं ऐसे डिफाइन कर सकता हूं, दिस इज अ मॉस्क इन जर्मनी, वेरी फेमस, और ये भी एक एग्जांपल है क्लोजर का. सो मैं पहले एक और डेफिनेशन बता दूं, वेयर ब्रेन फिल्स द मिसिंग पार्ट. अगर हमारा ब्रेन मिसिंग पार्ट को फिल कर लेता है सो दैट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर. या एक और डेफिनेशन हो सकता है कि टू सी होल फ्रॉम द ब्रोकन. इसके अंदर क्या किया गया है कि एक ये ज्योमेट्री, कौन सी ज्योमेट्री है, कैप्सूल. यस सर.
इस कैप्सूल ज्योमेट्री में से पोर्शंस को कट करके इसको ऑफसेट किया गया है, एक डिस्टेंस पे इसको ऑफसेट किया गया है, और इसमें ग्लास वर्क करके पूरा का पूरा जो सनलाइट है इसको अंदर अलाउ किया जा रहा है। बीच के कैप्सूल के पोर्शन में भी ये पार्ट डिडक्टेड है और दो स्लाइसिंग करके बाहर किया गया है, दो इट इज ओवरलैपिंग स्लाइस, लेकिन कहीं ना कहीं इट सीम्स टू बी दिस पर्टिकुलर कैप्सूल हैज बीन नाइफ्ड, स्लाइस्ड आउट एंड यू नो प्लेस्ड एट डिस्टेंस। So this is again what our brain is saying here, that if these two panels are the left side and two panels of the right side, if we move towards this capsule, so this will become a complete capsule. So our brain is saying that ye kahin na kahin capsule se hi nikal ke aaya, ye koi geometry bahar ka nahi hai, koi cube nahi hai, koi cuboid nahi hai, koi cone nahi hai, कोई पिरामिड नहीं है, वो बता रहा है कि इसी के पोर्शन से आया है, इसीलिए देखिए ये कर्व मैच कर रहा है इसके साथ, कर्व मैच कर रहा है इनके साथ। व्हाट द पॉइंट, यहां देखिए इसके अंदर ये स्फेरिकल शेप है जिसमें ये वाला स्मूथ है और ये ग्लेज्ड है, डायमंड शेप को यूज किया गया है, जनरली ग्लास में ऐसा ही किया जाता है, राइट। अब यहां पर क्या दिख रहा है आपको, डार्क कलर, यह है लाइट कलर कॉन्ट्रास्ट, ये कुछ ऐसा लग रहा है कि अगर सिर्फ इसको देखें, अगर ये हमें हमारा ब्रेन ड्रॉ ना कर पाए यहाँ पे, अगर एक आर्क को एक आर्क यहाँ पे, सो इट विल लुक लाइक यार ये पता नहीं कौन सी ज्योमेट्री है, लेकिन हमारा ब्रेन कह रहा है नहीं दिस इज व्हाट, स्फीयर। हालांकि ये कॉन्क्रीट वाला पार्ट या ये स्ट्रॉन्ग पार्ट कंटिन्यूस पार्ट नहीं है, यहाँ पे डार्क कलर के ग्लास को यूज किया गया है, इसका ये ब्लो अप है। सो our brain is able to draw the outline over here, the closer here. Yes, sir. ये एक इसको अगर हम सिर्फ segregate कर लें और यहां पे अगर कुछ भी ना रहे और अगर आपका brain फिर भी sphere बना लेता है brain में, it means आपका sense of closure या जो concept है closure का वो काम कर रहा है। So the only condition is this that your brain should be able to complete the incomplete missing part, जो है जो part missing है, if your brain simply able to draw, then you are successful in doing so. So when I started this video, I told you I'll give you so many examples. So I started with logo example etc. So you can see it, this can be done. आप कहोगे सर इस तरह के concept का फायदा क्या है, अगर आपने वो डब्बे नुमा बिल्डिंग को बनाकर अपने आप को कहोगे कि मैं बहुत महान काम कर रहा हूं, तो क्रिएशन नहीं है वो, तो कॉपीइंग है, वो सब कर सकते हैं। आपने क्या किया, आपके अंदर कुछ अलग क्या है, वही बात हो गई कि आई एम ऑल्सो डेकोरेटर, यू आर ऑल्सो डेकोरेटर। डेकोरेटर इस लेवल पे नहीं सोच सकता, एक इंटीरियर आर्किटेक्ट जिसकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है, यह एक आर्किटेक्ट ही समझ सकता है इस चीज को, इसकी वैल्यू, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट से वो चीज बना सकते हैं आप जो कि पहले बनी ही नहीं है। क्या आपने इस तरह के स्ट्रक्चर कभी देखे थे? नहीं सर। क्या आप नॉर्मल से इस तरह की बिल्डिंग देखी होगी ना? नहीं सर। हजारों बिल्डिंग देखी है। क्या आप इस तरह की चीज को देखोगे तो रुक करके दो चार दस मिनट नहीं तो कुछ 10-15 सेकेंड्स तो देखोगे ना? नहीं सर। क्या इस तरह की बिल्डिंग भी देखोगे जो कि बार बार हर जगह देखते हैं हम? इंटरेस्ट ही नहीं आएगा हमें। टू मेक समथिंग इंटरेस्टिंग you will have to go with the concept. आपकी नॉलेज जितनी भी हो सब्जेक्ट में, साथ में कॉन्सेप्चुअल पार्ट को भी समझना है कि कैसे हम किसी मैसेज को दे सकते हैं किसी स्ट्रक्चर के थ्रू। सो इस स्ट्रक्चर को बनाने के लिए एक बहुत ही छोटा सा टॉपिक है क्लोजर, जिसको मैंने इस वीडियो में आपको समझाया। यहाँ देखिए ये बुल्स आई आर्च कहलाता है, बीच में ये देखिए ब्रिजिंग है। यहां पे क्या हुआ कि ये पूरे वॉल में जाके ये पोर्शन मर्ज हो रहा है, लेकिन हमारा ब्रेन कहता है कि दिस इज नॉट दैट, वो समझ रहा है क्या है ये। वो अपने आप ही यहां जो पोर्शन मिसिंग है, उस मिसिंग या इनकम्प्लीट है, उसको खुद ही कंप्लीट कर ले रहा है, कहता है ये सर्कल है। आपका ब्रेन कह रहा है सर्कल है, आपका ब्रेन कह रहा है सर्कल है, वो ऑटोमेटिकली आपको लग रहा है। तो अगर ऑटोमेटिकली किसी व्यूअर को ये चीज लगने लगे तो
कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर जिस डिजाइनर आर्किटेक्ट ने यूज करा है वो सक्सेसफुल हो गया। यहां देखिए, ये एक लाइब्रेरी है, कुछ पोर्शन अंदर की तरफ है इस स्फीयर का। हमारा ब्रेन कह रहा है कि नहीं, ये इतना हो ही नहीं सकता, स्फीयर तो भाई कंप्लीट ही होता है। हमारा ब्रेन जो इनकम्प्लीट पार्ट है उसको अपने आप ऑटोमेटिकली कंप्लीट कर रहा है और कह रहा है कि ये स्फीयर है। किसी भी इंसान से बात करोगे, इफ यू गोइंग टू आस्क कि ये बताओ क्या है, ये कौन सी ज्योमेट्री, वो कहेंगे स्फीयर है, स्फेरिकल शेप है। कुछ लोग कहेंगे यार कुछ पोर्शन अंदर में यहाँ कट हो रहा है, कुछ कह सकते हैं, अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन हमारा ब्रेन कह रहा है ना दिस इज ए कंप्लीट स्फीयर, कुछ पार्ट अंदर है। Yes, sir. अपने आप ये ड्रॉ कर रहा है। गॉट द पॉइंट? सो दिस वॉज द होल कॉन्सेप्ट ऑफ क्लोजर। क्लोजर। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।